सो गाइस फाइनली हम लोग के पास में आ चुकी है द ओजी स्मार्ट वॉच। ये है S8 अल्ट्रा एंड भाई ये एंड्रॉयड वाली घड़ी है जिसके अंदर तुम्हारा यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सारी चीजें चलने वाली है और खासकर गेम्स चलने वाले हैं। मतलब सीधी सी बात है भाई, प्ले स्टोर पे जितने एप्लीकेशन है वो सारे इधर चलने वाले हैं क्योंकि ये भाई पूरा एंड्रॉयड बेस्ड है। इसके अंदर 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल मिलने वाली है। बाकी अगर आपको इसको परचेज करना है ना तो भाई आपको मैं वेबसाइट बता रहा हूँ जोन अल्फा, आप वहां पे जाके इसको परचेज कर सकते हो एंड काफी अच्छे प्राइस में आपको ये जो प्रोडक्ट है वो जोन अल्फा पे देखने को मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे रखी है, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड और भी जो चीजें हैं ना जोन अल्फा के बारे में वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में इसका पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं, इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट कैसा है एंड क्या प्राइसिंग के हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं और सारी चीजें इस प्रोडक्ट के अंदर देखने वाले हैं। तो जल्दी से भाई इसका मैं अभी फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक तो दूंगा ही, अब पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, चेक करते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सो भाई बॉक्स तुम लोग देख सकते हो, एकदम नॉर्मल सा बॉक्स है, एकदम पूरे व्हाइट कलर के फिनिशिंग के साथ में आता है। वहां यहाँ पे ऊपर आपको भाई ये लोगो देखने को मिल जाएगा अपनी ओजी वॉच अल्ट्रा का। ऊपर यहाँ पे भाई फर्स्ट S8 अल्ट्रा हनीकॉम एडिशन लिखा हुआ दिख जाएगा, ऊपर भी S8 अल्ट्रा लिखा हुआ और साथ में कुछ चाइनीज भाई लिख रखा है जो ना तुम्हें समझ आने वाली है ना मुझे आने वाली है, बात तो सही है। एंड उसके अलावा यहाँ पे भाई फुल यहाँ पे नेटकॉम लिखा हुआ दिख जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिम कार्ड का सपोर्ट करता है तो फुल नेटवर्क आपको मिलने वाला है और 4G सिम कार्ड सपोर्ट करता है, मतलब आपका जो 4G नेटवर्क है वो चलने वाला है। उसके अलावा आपको वाईफाई का सपोर्ट मिल जाएगा तो आप वाईफाई के जो कनेक्शन है वो भी कर पाओगे। एंड उसके अलावा भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें मेंशन नहीं की है, बाकी यहाँ पे 1 GB की रैम है और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है। अब बॉक्स ओपन करते हैं, बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती है। सो भाई देख सकते हो मैं धीमे धीमे इसको स्लाइड कर रहा हूँ। सो बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे भाई QC सर्टिफिकेशन मिल जाएगी कि क्वालिटी जो है इन लोगों ने चेक कर रखी है, ऐसा नहीं है कि भाई बस सीधे पैक करके दे दिया है, क्वालिटी चेक के लिए भी अथॉरिटी दे रखी है। उसके अलावा भाई यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाएगी एंड इसमें तुम्हें सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी है जो तुम्हारे किसी काम की नहीं क्योंकि सारी डिटेल्स तो मैं खुद ही बताने वाला हूँ। तो इसको बस तुम यही है कि ठंडियों में तुम्हारे हार्ट तापने के काम आएंगे, भाई इसको साइड में हटाओ, गजब बेइज्जती है। बाकी बॉक्स के अंदर तुम लोग को काफी अच्छी चीजें मिल जाती है। एक भाई ये तुम लोग को स्ट्रैप मिल जाएगा जो कि अपना भाई यहाँ पे ओशन लूप वाला है एंड ये अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। उसके अलावा एक व्हाइट कलर का एक और स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, तो स्ट्रैप की क्वालिटी काफी अच्छी है। बाकी आपको बॉक्स के अंदर यहाँ पे पोको पिन वाला चार्जर मिल जाता है। हालांकि अभी तक मैंने जितनी भी वॉच अल्ट्रा अभी अनबॉक्स किया, चाहे वो T800 हो, चाहे वो T500 हो, T9 हो, सबके अंदर या तो तुम्हें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता था या फिर कुछ और ही सिस्टम होता था, बट इसके अंदर तुम्हें पोको पिन का ऑप्शन मिल रहा है, सो ये कुछ नई चीज है। बाकी तो यहाँ पे अपनी वॉच अल्ट्रा रखी हुई है एंड अगर मैं भाई बात करूँ तो ये थोड़ी सी हैवी लग रही है एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी मतलब मजबूत सी है, थोड़ी मोटी सी है। सो जैसे कि देख सकते हैं भाई ये पूरी पन्नी एकदम पैक्ड में आती है एंड उसके अलावा यहाँ पे S8 अल्ट्रा लिखा हुआ है, चाइनीज में भी लिख रखा है, बट वही वाली बात है समझ आने वाला नहीं है। अब जरा पन्नी को ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लिया है। पन्नी को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की वॉच देखने को मिल जाती है एंड वॉच के अगर मैं तुम लोग को फीचर्स की बात बता दूं तो यहाँ पे इस साइड में तुम लोग को एक एक्शन बटन देखने को मिल जाता है, बट एक्चुअली में ये एक्शन बटन नहीं है, ये तुम लोग का सिम कार्ड स्लॉट है जिसमें एक नैनो सिम कार्ड लगने वाला है एंड एक 4G सिम कार्ड लगेगा, यानी कि LTE का सपोर्ट है, मतलब तुम्हारा जो जियो का सिम है वो इसके अंदर चलने वाला है। एंड उसके अलावा यहाँ पे तुम लोग को ये स्पीकर ग्रिल टाइप का दिख रहा है, तो ये बेसिकली एक माइक्रोफोन सेंसर है और स्पीकर तुम लोग को नीचे की साइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दूसरी की साइड में यहाँ पे तुम लोग को ये पावर का ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और एक क्राउन मिल जाता है जिससे तुम चीजों को आगे पीछे कर पाओगे एंड वॉलपेपर चेंज करना है तो वो कर पाओगे। बाकी यहाँ पे पीछे तुम्हें बिल्कुल OG जो स्मार्ट वॉच है उसी के तरह यहाँ पे तुम लोग को पूरे एकदम स्क्रू ड्राइव वगैरह देखने को मिल जाएंगे। पीछे यहाँ पे सेंसर मिल जाएगा एंड सेंसर किस कंडीशन में है, क्या मतलब रिलायबल है या फिर नहीं, उसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, सेंसर को भी चेक करेंगे। एंड उसके अलावा भाई अगर तुम्हारा चार्जिंग करना है तो पोको पिन के लिए यहाँ पे चार्जिंग वाला देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमने स्ट्रैप्स की बात की थी ना कि भाई स्ट्रैप्स भी आपको दो दो देखने को मिल जाते हैं, तो एक व्हाइट कलर का है एंड उसके अलावा एक ऑरेंज कलर का ओशन लूप वाला स्ट्रैप मिल जाता है। एंड भाई क्वालिटी लिटरली काफी अच्छी है, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, तो आप चेंज करके भाई मतलब डे टू डे लाइफ में ना चेंज करके पहन पाओगे, चाहे अगर आपको व्हाइट कलर वाला पहनना हो या फिर आपको ये वाला पहनना हो तो आप किसी भी दिन कुछ भी पहन सकते हो, दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। उसके अलावा वॉच के अगर कुछ फीचर्स की बात कर ले तो भाई डिजाइन मैंने आपको दिखाई दिया, बिल्कुल OG है। एंड उसके अलावा अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, सो ऑन करने के बाद थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है एंड यहाँ पे हेलो 4G लिखा हुआ दिख जाएगा एंड अप्रॉक्सीमेटली भाई 15 सेकेंड का टाइम लेता है पूरा
ये ऑन होने में One eternity later. So guys, जैसा कि देख सकते हो ऑन होने के बाद सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आएगा वो है तुम्हारा इंसर्ट सिम कार्ड का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को एक्शन बटन की जगह सिम कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। सो तुम यहाँ पे सिम कार्ड अपना लगा सकते हो, जियो का 4G सिम कार्ड भी चल जाएगा क्योंकि LTE सपोर्ट करता है। उसके अलावा वॉच के अंदर आपको काफी सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये OG वाला है भाई, अपना ओरिजिनल जो वॉच अल्ट्रा है उसके अंदर भी मिलता है। बाकी यहाँ पे भाई ये एक मिल जाएगा, ये भाई दूसरा मिल जाएगा, एंड ऐसे आपको 3-4 वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऊपर से आप जैसे जैसे स्लाइड करोगे ना, बिल्कुल एंड्रॉयड वाला सिस्टम है। यहाँ पे वाईफाई का भी सपोर्ट है, वाईफाई आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एक लॉजिकल चीज़ है, मुझे पता है काफ़ी लोग के मन में ये डाउट होगा कि भाई सिम कार्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सिम कार्ड का ऑप्शन है, क्योंकि भाई ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है एंड सिम कार्ड का क्या यूज़ होगा, किस हिसाब से वर्क करेगी, इसलिए मैंने सिम कार्ड का यूज़ नहीं किया है ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस कह सकते हो। बाकी आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भाई मैं अगर वाईफाई को यहाँ से ऑन कर दूँ, सो यहाँ पे देख सकते हो टर्निंग ऑन वाईफाई लिखा है एंड काफ़ी सारे नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं। सो आप वाईफाई से कनेक्ट करके बाकी जो एंड्रॉयड वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। ऐप्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको वो सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो आपकी एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर मिलते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे नंबर वंबर बढ़िया लिख के फ़ोन कॉल वगैरह कर पाओगे जिसको भी आपको मन हो करने का। एंड उसके अलावा भाई इसके अंदर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको QR कोड जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली ऐप वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, तो ये QR कोड आपको मिल जाएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मैसेजिंग का जो ऑप्शन है ना, ये मैसेजिंग तभी अवेलेबल होगी जब आप सिम कार्ड लगाओगे। तो बाकी उसके अलावा भाई व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें चलने वाली जो अभी आपको दिखाऊंगा मैं, एंड गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर तुम्हारी भाई फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा। तो फोटोज़ और वीडियोज़ तुम इसके अंदर रख सकते हो क्योंकि 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ब्राउज़र मिल जाएगा भाई, जिसके अंदर अपना यहाँ पे गूगल चल रहा है एंड गूगल पे तुम अपना कोई भी चीज़ सर्च करके मस्त मजा उठा सकते हो। उसके अलावा और ऐप्स की बात करें तो भाई क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें तुम टाइम वगैरह देख पाओगे एंड यहाँ पे तुमको टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा अलार्म वगैरह सेट करना है ना, तो यहाँ पे अलार्म का भी ऑप्शन है, तो मतलब भाई तुम देर नहीं होगे, ये तुम्हें उठा देगा सुबह जल्दी। एंड उसके अलावा स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल जाता है। म्यूज़िक में बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है, क्या म्यूज़िक हम लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं? सो डेफिनेटली म्यूज़िक के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है, तुम यहाँ पे म्यूज़िक को डाउनलोड करके भी इसके अंदर रख सकते हो। अभी तो फिलहाल मैंने डाउनलोड नहीं किया है, बट तुम इसके अंदर म्यूज़िक भी डाउनलोड करके रख सकते हो एंड नियर बाय शेयर का ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर आप लोग यहाँ पे भाई साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो साउंड रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड उसके अलावा भाई अगर फाइल एक्सप्लोरर पे जाओगे तो यहाँ पे ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, जितने भी एप्लीकेशन वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे टोटल अभी देख सकते हो 36% यूज़ कर रखा है, बट अभी भी 10 GB यहाँ पे फ्री है एंड इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो हार्ट रेट की बात कर ही लेते हैं भाई कि इसका जो सेंसर है क्या वो रिलायबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैंने हार्ट रेट पे क्लिक किया है एंड यहाँ पे मैं चेक BPM करके ज़रा मैं पेड़ पौधे पे लगा दूँ। वैसे तो पेड़ का BPM नापा ही जाता है, बट पेड़ से हटा देते हैं यार हम लोग, बात तो सही है। एंड मैंने यहाँ पे तो हमने लोहे के ऊपर रख रखा है क्योंकि पेड़ का तो BPM ऑब्वियसली बात है भाई निकाल ही देगा, क्योंकि पेड़ भी तो एक लिविंग थिंग है। एंड इससे कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसका जो एक्यूरेसी है वो कितना है, क्या ये एक्चुअल में सेंसर काम का है या फिर नहीं। तो भाई मैंने यहाँ पे लोहे पे जो है सीधे सीधे वॉच को रख रखा है एंड चेक कर लेते हैं कि कितना ये सही है, कितना दूध का दूध और पानी का पानी, सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे भाई इस जो तुम्हारे सामने ये लोहा है इसके अंदर भी दिल है। मुझे पहली बार पता चल रहा है भाई कि लोहे के अंदर भी दिल होता है। 95 यहाँ पे BPM लिखा हुआ दिख जा रहा है। सो भाई इंसान की हार्ट बीट छोड़ दो, अब तो भाई लोहे के पास भी दिल होने लग गया, तो एक बहुत बड़ी बात है भाई। उसके अलावा भाई आपको फिटनेस का सपोर्ट मिल जाएगा। सेटिंग्स में चल के दिखाऊँ ना, तो सेटिंग में आप यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट की सेटिंग वगैरह जो है वो चेक कर पाओगे। एंड यहाँ पे हमने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है एंड भाई जो लिखा हुआ है यार उसको प्लीज़ यार फॉलो भी कर लेना। सॉरी। और सारी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस, ऐप एंड नोटिफिकेशन, बैटरी, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ों का ऑप्शन तुम लोग को यहाँ पे सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। थीम वगैरह का तो ऑप्शन मिल ही जाता है आपको यहाँ पे, जैसे डायल पैड वगैरह का थीम चेंज करना हो, वॉलपेपर अगर चेंज करना हो एंड डेस्कटॉप का स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। एंड द मेन चीज़ जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वो है भाई प्ले स्टोर, एंड्रॉयड वाली सारी चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है। सो प्ले स्टोर मैं ओपन कर लेता हूँ एंड प्ले स्टोर को सबसे पहले ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना email ID से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी वो चीज़ कर रखी है ताकि आपको वेट ना करना पड़े। एंड यहाँ पे भाई पूरा एंड्रॉयड वाला जो चीज़ है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक एप्लीकेशन भाई, चाहे वो मीशो, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप बिजनेस, सारे जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे तगड़ी चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, और सबसे तगड़ी चीज़ मैं दिखा दूँ तो मैंने यहाँ पे BGMI सर्च किया है एंड BGMI सर्च करने के बाद
जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा BGMI अपना ओपन हो चुका है एंड मैं इसको इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। बाकी जो सारी चीजें हैं ना वो आपको बिल्कुल एंड्रॉइड में जो फोन में होती है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बट गाइज मैं अभी BGMI को नहीं इंस्टॉल करूंगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी BGMI का टेस्ट करने वाले हैं, क्या इस S8 अल्ट्रा के अंदर BGMI चलता है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा एंड थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। बाकी हमने कुछ एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर रखे हैं, हमने यहाँ पे YouTube डाउनलोड कर रखा है एंड उसके अलावा यहाँ पे हमने फ्री फायर डाउनलोड कर रखा है, Facebook, टेम्पल रन, Instagram, सर्वे सफर्स और WhatsApp। तो ये सारी जो एंड्रॉयड वाली एप्लीकेशंस है वो सारी हमने इंस्टॉल कर रखी है। व्हाट्सएप को अगर मैं चला के दिखाऊं तो बिल्कुल भाई जो आपके स्मार्टफोन में जैसा चलता है वैसा ही यहाँ पे चलेगा। सो मैंने अभी व्हाट्सएप को सेटअप नहीं किया, सेटअप करने के बाद मैं व्हाट्सएप जो है इसके अंदर भी चल जाएगा अच्छी तरीके से। उसके अलावा इंस्टाग्राम अगर मैं चला के दिखाऊं तो इंस्टाग्राम भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है, इसके अंदर भी आपको अपना ID लॉगिन करना पड़ेगा एंड इंस्टाग्राम भी बिल्कुल आपके जैसे स्मार्टफोन में चलता है वैसे ही स्मार्ट वॉच के अंदर चलने वाला है। तो सारी चीज़ें भाई एकदम एंड्रॉयड वाला, इसके अंदर आपको OIS देखने को मिल जाता है एंड और सारी चीज़ों की बात अगर मैं कर ही रहा हूँ तो अब ज़रा गेमिंग की बात भी कर लें कि गेमिंग का क्या सीन है। तो सर्वे सफर ज़रा चला के दिखा दूँ आपको मैं एंड यहाँ पे देख सकते हो अपना सर्वे सफर जो है वो एकदम छुटको से स्क्रीन में यहाँ पे ऑन हो चुका है एंड ज़रा सा अब हम लोग गेमिंग करके देखते हैं। सो भाई हमने गेम चला दिया है एंड एकदम मक्खन की तरह चल रहा है जैसा कि देख सकते हो, जैसे मैं स्लाइड कर, अरे यार ये तो पे बजड़ गया, सॉरी। जरा भाई सेकंड ट्राई ले लेते हैं। अब देख सकते हो भाई छोटी सी स्क्रीन है तो थोड़ा सा तो इस पे तुम लोग को ध्यान देना ही पड़ेगा, बाकी गेमिंग वगैरह तो यार एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। सो डेफिनेटली जैसा कि देख सकते हो गेमिंग तो काफी तगड़ी तरीके से हो रहा है, जिस तरफ मैं इस आदमी को घुमा रहा हूँ उसी तरफ बेचारा घूमे जा रहा है। उसके अलावा भाई हमने टेम्पल रन भी चला के देखा एंड देख सकते हो एकदम मक्खन की तरह ये भी चल रहा है एंड भाई इसमें भी भाई ये देख सकते हो भाई स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है तो ध्यान देके चलाना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा एकदम मक्खन की तरह चल रहा है बट ये है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जिस भी डायरेक्शन में तुम इसको मूव करोगे ना उस डायरेक्शन में देख सकते हो ये बंदा जो है वो डोल रहा है। सो इसी तरीके से भाई तुम गेमिंग वगैरह इसके अंदर कर पाओगी, सो डेफिनेटली गेमिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हमने चाहे YouTube पे हम चेक करने वाले हैं अपना चैनल क्या वीडियोस वगैरह अच्छी तरीके से स्ट्रीम करती है या फिर नहीं, जरा चेक कर ले कि इस छोटी सी स्क्रीन का क्या जलवा है। सो यहाँ पे देख सकते हो भाई सारी चीज़ें एकदम मक्खन की तरह चल रही हैं एंड ये हमारी वीडियो है। अब जरा मैं वीडियो को रन करके देखता हूँ किस तरीके से वीडियो जो है वो चलती है। बाकी अब हम लोग की वीडियो चल चुकी है एंड वीडियो कुछ इस तरीके की तुम लोग को देखने को मिल जाएगी। अब जरा मैं इसको फुल साइज में अगर कर लूँ, सो फुल साइज में करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। भले छुटकू सा स्क्रीन है लेकिन वो जो इंटरफेस बिल्कुल स्मार्टफोन वाला है ना वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सो आप लोग देख सकते हो भाई बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसे आपके स्मार्टफोन में आपको चीज़ें देखने को मिलती है वैसे ही स्मार्ट वॉच के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो यूट्यूब भी भाई काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब बुरा नहीं है यार, मज़ा आ रही है देखने में वीडियोस को। उसके अलावा यूट्यूब पे अगर मैं आपको शॉर्ट्स वगैरह दिखाऊं तो भाई देख सकते हो शॉर्ट्स भी एकदम सबसे पहले हम ही आ गए भैया, ये बड़ी बात है कि थोड़ा सा YouTube पे हम भी दिख रहे हैं, जलवा है हमारा। सो यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह जो है कुछ इस तरीके की चल जाती हैं। ओके सो शॉर्ट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही हैं, वीडियोस आप लोग देख सकते हो भाई एकदम मक्खन की तरह चल रही हैं। सो YouTube का इंटरफेस जो है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है एंड YouTube की जो सारी वीडियोस है ना वो बहुत तगड़ी तरीके से चलती हैं एंड डबल टैप करने पर लाइक भी होगा। सो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। भाई अगर तुम्हें अपने स्मार्ट वॉच को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है तो यहाँ पे ये जो पावर का ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है ना इसको बस ऐसे देर तक प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन, SOS का ऑप्शन, रिबूट का ऑप्शन या फिर अगर तुम्हें यहाँ पे आवाज़ वगैरह बढ़ानी है तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो अगर कंक्लूजन की बात करते हैं कि भाई क्या ये प्रोडक्ट वर्थ इट है या फिर क्या अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और बाकी सारे एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बेसिकली आप स्मार्टफोन किस लिए यूज़ करते हो, आपको या तो इंटरनेट यूज़ करना है, आपको यूट्यूब चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, कॉलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। तो एक तरीके से तुम्हारा छोटा सा ये भाई स्मार्टफोन समझ के चलो, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो तुम्हारे एक स्मार्टफोन के अंदर होती है एंड अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा कम है तो तुम इसको प्रेफर कर सकते हो बिकॉज अब डेली टू डेली लाइफ में अगर जैसे मान के चलो तुम रनिंग कर रहे हो या फिर तुम कहीं ऐसी जगह पे हो जिसमें तुम दौड़ रहे हो तो वहाँ पे बार बार तुम फोन नहीं निकल पाओगे बट अपना तुम स्मार्ट वॉच आगे ऐसे करके सारी चीज़ें देख पाओगे कि किसकी कॉल आ रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो डे टू डे लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा भाई YouTube चल रहा है, Facebook चल रहा है, Instagram चल रहा है, सारी चीज़ें जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो चल रही हैं। YouTube भाई 1080p में वीडियोस को तुम सर्व कर सकते हो हाई क्वालिटी में। बाकी Google का सपोर्ट है तो भाई Google में तुम अपनी भैया मस्त मस्त वीडियोस यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्यारी समझ गई।
अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके अलावा भाई तुम्हें अगर गेमिंग वगैरह करनी है तो हमने सर्वे सफर चला के देखा, अच्छे से चल रहा है। फ्री फायर भी डाउनलोड किया है, फ्री फायर भी चल रहा है। सो BGMI के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम लोग चेक करेंगे क्या ये BGMI को सपोर्ट करता है, बिकॉज 1GB की रैम है एंड आई डोंट नो कैसी गेमिंग होगी, बट और सारे फीचर्स आपको एकदम OG मिलते हैं। एंड भाई लुक वाइज तो है ही बिल्कुल अल्ट्रा वाली वॉच। एंड बाकी आपको दो स्ट्रैप्स मिलते हैं, आपकी मर्जी, जब आप व्हाइट पहनना चाहो व्हाइट पहन सकते हो, ऑरेंज पहनना चाहो ऑरेंज पहन सकते हो। एंड ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे रखी है, आप जोन अल्फा पे जाके इसको परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। आप चाहे एंड्रॉयड वाली स्मार्ट वॉच परचेज कर लो, चाहे आपको और भी कोई स्मार्ट वॉच परचेज करनी हो, तो सारे प्रोडक्ट्स आपको जोन अल्फा पे मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो चेक कर सकते हो। एंड उसके अलावा भाई मुझे तो काफ़ी तगड़ा प्रोडक्ट लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। एंड और भी तगड़ी तगड़ी वॉचेस की हमने अनबॉक्सिंग रिव्यू डाल रखी है, चाहे तो उसको चेक कर लेना। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग योर चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।